हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू पान्नी ऑनलाइन। पान्नी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है केवीसी स्टूडेंट स्पेशल क्यूज़ के ऊपर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सेलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी के साथ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसी के साथ अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, आज का हमारा जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो केवीसी सीज़न के ऊपर है, स्टूडेंट स्पेशल के लिए भी इसके जो क्वेश्चंस है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। ज़्यादातर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं जितने भी एग्ज़ाम्स अपकमिंग आएंगे उनके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1983 के विश्व कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार किसे मिला? तो ये चार ऑप्शंस हैं, कपिल देव, किरण मौर्य, अमरनाथ, सैयद किरमानी। तो जो हमारा आंसर है वो है लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ को 1983 के विश्व कप का मैन ऑफ द मैन पुरस्कार जो था वो मिला था। और 1983 में थ्री का जो विश्व कप का जो फाइनल हुआ था जिसमें भारत विजेता था, आप सभी को पता है, इसके कप्तान थे कपिल देव और इसे आधिकारिक तौर पर प्रूडेंशियल विश्व कप कहते हैं। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था और 60 ओवर का मैच था। और इसकी जो खासियत थी वो ये थी कि इसे लाल गेंदों और सफ़ेद कपड़े में खेला गया था। टूर्नामेंट का फाइनल मैच लॉर्ड्स में हुआ था और भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में। भारत ने पहली बार इस विश्व कप को जीता था 1983 में, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बी का नोबल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, कैलाश सत्यार्थी को, मलाला यूसुफ से ही, मदर टेरेसा। तो जो शांति का पुरस्कार है वो इस बार का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, WFP। तो ये WFP क्या है, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और यह युद्ध, अकाल और प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों में खाद्य सहायता उपलब्ध करवाता है। इसका जो मुख्यालय है वो इटली में है, रोम में। इसके दुनिया के 80 देशों में कार्यालय है। जब पूरी तरह से एक दान से चलने वाला संगठन है, इसमें ज़्यादातर जो फंड है सरकारों द्वारा दिया जाता है। और इसकी जो स्थापना मेन जो आपने याद रखना है 1961 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इनमें से किस देश से अमेजन नदी नहीं बहती? ये जो चार ऑप्शंस आपको दिए हैं आपने बताना है कि अमेजन नदी किस में से नहीं बहती, ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, मेक्सिको। तो आंसर इज मेक्सिको। मोस्टली जो हमारी अमेजन नदी है यह दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी नदी है और दक्षिणी अमेरिका के 8 देशों में फैली हुई है। यह ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये फैली हुई है। और ये कहाँ से निकलती है? ये पेरू की एंडी पर्वतमाला से निकलकर अटलांटिक महासागर में समा जाती है। इस नदी की धरती का जो इसे जो न, इस नदी को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो इसी कारण ये इम्पोर्टेंट है, बहुत सुनने में भी आती है अगर आपने इसके बारे में सुना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के किस राज्य में सबसे पहले MDM योजना की शुरुआत हुई थी? ये MDM क्या है, मिड डे मील योजना है, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो सबसे पहले तमिलनाडु में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए
इसकी शुरुआत की गई थी कि स्कूलों में जो स्ट्रेंथ थी सरकारी स्कूलों में बहुत कम हो रही थी, तो तमिलनाडु सरकार ने MDM की शुरुआत की। इसे 1925 में ही तमिलनाडु में शुरू कर दिया गया था। वहाँ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे चेन्नई में इसे शुरू किया गया था, उन्होंने इसको शुरू किया। इसके बाद 1995 में भारत के 2000 ब्लॉकों में इसे शुरू किया गया था और 2004 में इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, दैट इज गुजरात। तो गुजरात जो है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत के कुल समुद्र तट की जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। तटीय क्षेत्र जो है वाले राज्य में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। कितनी है इसकी? 1214.7 km, तो 1214.7 किलोमीटर जो इसकी गुजरात का तटीय क्षेत्र है, जो कि देश की कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% है। तो 23% इसका जो हिस्सा है वो केवल गुजरात में ही है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जिसकी तटरेखा की लंबाई 974 किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा विटामिन आँखों की रोशनी को मेंटेन रखता है? दैट इज विटामिन ए, जो ए बी सी एंड डी। विटामिन ए जो है वो इसका आंसर है, आंखों की रोशनी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और विटामिन ए आंखों की रोशनी को मेंटेन रखता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी नाम का जो रोग है वो हो जाता है। विटामिन ए में किन पदार्थों में मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। गाजर, अंडा, दूध, पीली या नारंगी जो सब्जियाँ हैं उनमें जो ये है पाया जाता है। इनमें से कौन सी दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है? इनमें से जो कौन सी मिर्च जो है दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है भूतजलोकिया, कैरोलिना, स्टेपो, स्टीमोजोलकिया। तो कैरोलिना रिपर जो है वो सबसे तीखी मिर्ची है। कैरोलिना रिपर दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची है। इससे पहले भारत की जो भूतजलोकिया को दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची होने का गौरव प्राप्त था। इसे घोस्ट पेपर, लाल नागा, नागा जोलकिया के नाम से भी जाना जाता है। भूत जलोकिया की खेती असम, मणिपुर और नागालैंड में की जाती है, लेकिन अब जो है वो कैरोलिना जो है दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रपति भवन को किस नाम से जाना जाता था? वाइस राय हाउस, कैनेडी हाउस, 10 जनपथ या व्हाइट हाउस। तो स्वतंत्रता से पहले जो है वो राष्ट्रपति भवन को वाइस राय हाउस के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन भारत का सबसे बड़ा निवास स्थान है। इसे तैयार होने में 17 वर्ष लग गए थे और इसे रायसिला हिल्स पर बनाया गया है, जिसका निर्माण वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा किया गया। तो जो इसका निर्माण किया गया था वो एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? आयरन, टंगस्टन, एल्युमिनियम, कॉपर। तो इसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। इसे W द्वारा डिनोट किया जाता है। इसकी जो परमाणु संख्या है 74 है। इसे वॉल फ्रेम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है? ए बी, ए बी और ओ। इसका जो आंसर है वो ओ है, ब्लड ग्रुप ओ। तो आप सभी को पता है कि ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार के होते हैं, ए वी, ए बी और ओ। जो ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसे किसी भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है। इसी तरह से ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी से भी ब्लड जो है वो ले सकता है, डोनर और रिसीवर, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। तो इसी के साथ जो हमारा आज का वीडियो है वो समाप्त होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताएं। और इसके साथ अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।